ये मुहिदा साइन हो रहा है ना, ये पॉम्पियो और एस्पर पहुंचे हुए मुहिदा साइन हो रहा है, ये डेटा वेटा ने उधर से जरा पता चला है कि इंडिया रशिया टू डेवलप एडवांस वर्जन ऑफ बाम्बोस मिसाइल स्पेशली फॉर टारगेटिंग। नमस्कार दोस्तों, हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर घोचू एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये जो इंडिया और अमेरिका की 2+2 डिप्लोमेसी में कुछ समझौते हुए हैं, वो अभी इंडियन मीडिया को भी नहीं पता चले और इसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और इसने अपनी एक नए तरीके से अपना कुछ पेश किया। अब जैसे कि ये पेश करता आ रहा है पिछले 2-3 महीने से इंडिया को लेकर, ये पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उससे ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है। आज पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, आपने सुना होगा, पेशावर में वर्क फ्रॉम होम के तहत आतंकवादियों ने अपने ही घर में ब्लास्ट कर लिया और वर्क फ्रॉम होम को इन्होंने पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉलो किया। हालांकि एक बहुत दर्दनाक हादसा था, आप देखेंगे अगर छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल लिए हुए खून से लथपथ देखना काफ़ी मुश्किल है। उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनके अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा था जहां पर ये धमाका हुआ। एक रिलीजियस स्कूल मदरसा था वो। और चलिए दोस्तों, ये बात की बात है, इसे बाद में करते हैं, लास्ट में वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट के जितने आप समझें कि सब मेरीज है, तीनों फोर्सेस की, बैरिया भी और उनका साइबर भी और उनका एयरफोर्स भी और उनकी बड़ी फौज भी, उन वो अपना डेटा जनाब उनको अमेरिका अपना डेटा देगा। उनके पास अमेरिका का डेटा नहीं है, अमेरिका उनको बताएगा कि अच्छा ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, तो अपने मिजाइल विजाइल बताओ तो हम तुम्हें बताएंगे कहां से लॉन्च करना है क्या नहीं करना। 100% जो उनके पास ये टेक्नोलॉजी आएगी उसके नतीजे में उसमें छोटे छोटे, वो कहते हैं ना, बारूदी सुरंगी होंगी, वो जो है ना साइबर, छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और वो वक्त मुकर्रा पे आके इंडिया को धोखा भी दे सकते हैं। इंडिया के ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा टेलीफोन है ना, अब इस टेलीफोन के अंदर आप समझे कि 100 टेलीफोन नंबर मैंने लोगों के सेव किए हुए हैं, ठीक है, और मैं बड़ा मुतमइन हूँ कि जी मेरे टेलीफोन में तो यार मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने घर फोन कर लूंगा, अपने दोस्त को फोन कर लूंगा, इधर फोन कर लूंगा। अचानक पता चले कि उस खास वक्त पे मेरे टेलीफोन के वो नंबर्स ही चेंज हो जाएं। आप जरा सोचिए ना, मैं कितना डिपेंडेंट हूं कि मेरी जिंदगी का दारोमदार इस फोन पे है, अब मेरे वो नंबर चेंज हो जाएं अचानक, डेटा है ना, डेटा चोरी हो गया, साइबर अटैक हुआ, साइबर, और वो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन था, यानी ये टेलीफोन मैंने खरीदा तो इसके अंदर वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी। ये साइबर का खेल है, ये जो मैं कहता हूं ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब जनाब ये हो चुका है ना, ये 2010 में जो ईरान के न्यूक्लियर को अमेरिकन ने ब्लॉक किया था, अटैक किया था, तो ये किया था ना साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी। अब मुझे ये बताएं कि इनके मिसाइल, मैंने आपसे वही कहा ना कि ओबामा जनाब हलफ उठा रहे थे तो इनका वो ब्रामोस इन्होंने मारा, ब्रामोस क्या है, मॉस्को के साथ है ना, इनका जो मिसाइल है वो मॉस्को के साथ बना हुआ है, वो तड़प करके 7 किलोमीटर दूर गिर गया, एक अजीब जिल्लत हुई। अब इन्होंने जनाब पूरी कोशिश की इधर से दाएं बाएं से अमेरिका से कहीं कुछ ना मिले, इन्होंने जाके वो अपना सारा जो है सरेंडर कर दिया, सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुई, और उसमें इन्होंने, मुझे नहीं पता कि चाइना और अमेरिका किस जगह पे, मुझे कभी कभी लगता है इनकी आपस में लड़ाई है, आप यकीन करें, कभी कभी मुझे लगता है इनकी दोस्ती है। ये सारा ये सब जो हो रहा है ना दुनिया में, उसकी वजह देखिए फाइनेंशियल टाइम्स, ये फाइनेंशियल टाइम्स क्या खबर दे रहा है, अब ये देखें जरा फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहे हैं कि बेजिंग इन्वॉल्व्स इट डीपन टाइट डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल, अरे यानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी के बावजूद बेजिंग और वॉल्व्स इट न्यूयॉर्क, यानी उनके ताल्लुकात गहरे हो गए हैं। अच्छा वो तो कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर होनी है, अच्छा मैंने भी पढ़ा सारा, चेक किया, मैंने कहा एक मिनट यार, ये वॉल स्ट्रीट और बेजिंग के ताल्लुकात गहरे हो गए, पता चला किसके ताल्लुकात गहरे हुए, सिटी ग्रुप, अमेरिका का सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, उनके ताल्लुकात पिछले 1-2 सालों में और मजीद गहरे हो गए हैं चाइना के साथ। तो ये एक अजीब मामला है, और वो कह रहे हैं कि जी हम, वो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम ट्रंप को नहीं मानते जी, हम ये कर रहे हैं, और बिजनेस और गहरे हो गए। अच्छा अब मसला ये है, तो ये और साथ ही जो अमेरिका ने एक और काम किया है, और वही काम किया है कि उन्होंने जो दूसरी जो चीज हुई है, एक तो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल इसके ऊपर इंडियंस परेशान हैं, इंडियंस के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी परेशान हैं, और इसके ऊपर जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स ने क्योंकि एक और काम बड़ा जबरदस्त हुआ है, बड़ा हैरान कौन हुआ है, और वो ये हुआ है कि जो ताइवान है जिसको कि वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, यानी शी जिनपिंग तो ये खा जाएगा ताइवान को, ये शी जिनपिंग नहीं छोड़ेगा, ताइवान को ले जाएगा उठा के। अच्छा और ताइवान डरा भी हुआ है। अब इस चक्कर में जनाब
जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वो खबर दे रहा है कि पेंटागन के हवाले से कि स्टेट डिपार्टमेंट ने आर्म सेल का ओके कर दिया है ताइवान को, और अल जजीरा क्या बता रहा है कितना असला बेच रहा है ताइवान को, छोटा सा ताइवान असला कितना बेचने जा रहा है, यूएस अप्रूव अल जजीरा के मुताबिक 2.37 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, और उसमें उनके हाथों मिजाइल वगैरह वगैरह। और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टू स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट डेटा सेंटर रीजन, पूरा माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा आधार है, पहला डेटा सेंटर रीजन ताइवान में बनाने जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ इट्स री इमेजिंग ताइवान इनिशिएटिव। अच्छा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की आज वेबसाइट के ऊपर खबर आई है। अच्छा, अब उसके बाद उसके ऊपर जो है वो चाइना, मैंने कहा ना चाइना बड़ा आराम के साथ वो सुकून के साथ वो अपना इश्यू वो जो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बताता है। वो कहता है ग्लोबल टाइम्स ने कहा यूएस आर्म्स ट्रेड टू ताइवान ऑफेंसिव तो है लेकिन यूजलेस है हमारे लिए, मतलब यहां ला के जितना मर्जी असला बिठा दो यूजलेस। अच्छा, और फिर साथ ही क्या हुआ है, साथ ही एक अजीब बात हुई है, ये इधर साइन हो रहा है मुआहदा, ये मुआहदा साइन हो रहा है ना, ये पोम्पियो और एस्पर पहुंचे हुए हैं, मुआहदा साइन हो रहा है, ये डेटा वेटा लें, उधर से जरा पता चला है कि इंडिया रशिया टू डेवलप एडवांस वर्जन ऑफ बामोस मिसाइल स्पेशली फॉर टारगेटिंग वॉक्स। अच्छा, यानी अभी इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका के साथ जो जाए, हम रशिया के साथ जाने का मतलब चाइना के साथ, अभी चाइना को डेटा मिल रहा है, चाइना को क्या मसला है जो अमरीका का उधर से उधर जाएगा उधर से उधर, ये इंडिया फंस गया बीच में कहीं, अपना अपने वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनको एडवांस करना चाह रहा है, वो उसे कंट्रोल कमांड करेगा अमेरिका, डेटा उसको अमेरिका देगा, उसमें जनाब वो फायर कहां करने हैं वो अमेरिका कंट्रोल कमांड करेगा, मिसाइल रशिया के साथ बन रहे हैं रशिया चाहे। नतीजतन क्या हुआ है कि इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, रशियन टाइज, अब ये देखें कमाल, सॉरी चाइना ने कैसे रिस्पॉन्स किया इस दौरे के ऊपर, वो कहता है कि रशियन टाइज मीन्स इंडिया वोंट गो फॉर टू फार विद यूएस। उसने एक कहानी, चीनियों ने एक कहानी डाल दी कि देखो रशिया के साथ कर रहे हो ना अपने मिसाइल, रशिया के साथ बना के उसका डेटा अमेरिका, इसका मतलब है तुम्हारी जो दोस्ती है ना बच्चू अमेरिका के साथ ज्यादा चलने वाली नहीं है, उसने कोई बात ही नहीं की। और उन्होंने ये यहां से पकड़ा हुआ है चाइना ने, चाहे ये जाएंगे मुझे बताएं कि इलेक्शन के रिजल्ट आने तक। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर घोचू का वीडियो देखा, आपको डॉक्टर घोचू के वीडियो से एक चीज़ तो समझ में आई होगी, इसके पास अजीब अजीब तरह के एनालिसिस होते हैं, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि इंडिया भारत जो है चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की मदद ले रहा है, ऐसा किसने इससे कहा, भाई ये डिप्लोमेसी है, इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, इसको लगता है कि अमेरिकन आर्मी इंडिया के लिए लड़ने आएगी, ऐसा कुछ ये सोचता है, तो ये वीडियो में बोल रहा है कि इंडियन की मदद करने के लिए अमेरिकन नहीं आएंगे, अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा, और ये भी कमेंट करता है कि रशिया से इंडिया ये बन पा रहा है फिर अमेरिका से ये बन पा रहा है, तो इसको इंडिया की डिप्लोमेसी आज तक समझ में नहीं आई है, इंडिया के रशिया के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहा है और अमेरिका के साथ इंडिया अच्छे संबंध करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख समझ सकते हैं डॉक्टर घोचू की हालत, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को घास डालना कर दिया है बंद तो डॉक्टर घोचू है परेशान, पाकिस्तान के पास चाइना के अलावा कोई दूसरा है नहीं, पाकिस्तान टर्की को अपना सब कुछ दे चुका है, आपने देखा होगा टर्की जो बोलता है पाकिस्तान वही करता है, हालांकि टर्की लोन देने वाला है नहीं, चाइना से ये लोन ले रहे हैं और चाइना लोन लेता है लेकिन फिर उसके बाद लोन का जो है ब्याज सहित वसूलता है, या तो ज़मीन लीज पे ले लेता है, या जो आपको पता है चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा में किया 99 इयर्स के लिए, वो जो पोर्ट है श्रीलंका का चाइना के पास जा चुका है, ऐसा ही कुछ फ्यूचर में इन केस जल्दी ही अगर ऐसी हरकतें रही पाकिस्तान की तो शायद होगा इनके साथ भी, जिस तरीके से ये लोन लेते जा रहे हैं और कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है सीपैक का आगे का क्या प्लान है, क्या सीपैक में इनको करना है, या सीपैक में इन्हें केवल पंचर की दुकान है और ढाबा खोलना है, या सीपैक में इनका कुछ पार्टनरशिप रहेगी चाइना के साथ, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। आपने देखा होगा इनके वीडियोस में इसी तरीके की हरकतें इन डॉक्टर घोचू के, पिछले एक डेढ़ महीने से इंडिया चाइना जो टेंशन चल रही थी लद्दाख में, इसने ना जाने क्या क्या कहानियाँ बनाई कि चाइना 1000 किलोमीटर कब्जा कर चुका है, जैसा कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बोला था कि भारत का 1000 किलोमीटर
का इलाका चाइना ने कब्जा कर लिया है। लद्दाख और दिल्ली की दूरी ही लगभग 1000 से कुछ 4-5 किलोमीटर ज़्यादा है, और भारत का 1000 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, भारत का 1000 किलोमीटर का इलाका चाइना ने कब्जा कर लिया, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया ने और राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले बोला था। तो दोस्तों, इन लोगों को आप सीरियसली ना लें, इनकी बातें बहुत काल्पनिक होती हैं। इनको आप इनका वीडियो देखकर एंजॉय करें और सपोर्ट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक गए, हालांकि मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं, सीधा वीडियो स्किप कर देते हैं जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो ख़त्म होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।